जादोपुर की बात है भैया, गांव ये बिल्कुल न्यारा, गांव ये बिल्कुल न्यारा। पल 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 ये रूप बदल, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा। ओ हो हो हो, बदल रही जब दुनिया सारी, बदले क्यों ना गांव रे। पढ़ी लिखी जब दुनिया सारी, अनपढ़ क्यों ये गांव रे। नदिया किनारे एक गांव रे, नदिया किनारे एक। ये जिंदगी भी एक अजीब पहेली है ना, जब उलझ जाती है तो सुलझाना मुश्किल हो जाता है। साहूकार जैसे लोग तो भोले भाले लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते ही हैं। निरक्षरता के अभिशाप को भोग रहे लोग भी आसानी से अपनी भूल कहां समझ पाते हैं। इसी के चलते तो बूढ़े सरजू के घर आज बस मायूसी ही मायूसी है। छोटा लड़का मोहन गांव से दूर शहर जा रहा है। गांव के प्रभाकर बाबू यानी मास्टर जी सब कुछ जानते समझते हैं, मगर मोहन को शहर जाने की राय तो उन्होंने भी दी है। तब फिर मोहन भला किसके रोकने से रुकेगा। क्या ही रहा है रे मोहन बा, रे तेरा जाना रुक ना सके है का? अभी तो जाने दो बापू, कौन जाने जल्दी ये वापसी भी हो जाए। वापसी शहर जाए कर कौन वापस लौटा है? त्वार मर्जी, जा जा जा, जी ले अपनी जिंदगी। एक बात हमरी भी सुनता जा मोहनवा, अब जा रहे हो तो कोनो कड़वी बात नहीं ना कहूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा, यहां गांव में रहकर जोनो तीर तुमसे ना चलाए गए हो, उस शहर में जाकर जरूर चला लियो, ताकि मन में कोनो हसरत ना रह जाए। बात करत है बेकार की। बड़े भैया तुम तो, अरे और नहीं तो का, हम तो ठहरे पत्थर, अनपढ़ गंवार जाहिल, और हमरा भाई पढ़ा लिखा, तभी तो हमका छोड़कर शहर जावत है। बात करते हैं बेकार की। मोहन तू तो जाना थे, बड़े भैया अंदर से कहा है और बाहर से कहा। अरे पगले, तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं बड़े भैया। जा मेरे भाई जा, खुश रह। बात करो थे बेकार की। ये क्या बाबू, क्या तुम्हारा आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा?
मोहन, मोहन बाबू। हम जानते हैं मोहन बाबू कि आप जा रहे हैं, पर क्या आप पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम आपको विदाई दे सके? बताइए। मुझ पर तुम्हारा कितना हक है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो राधा। हाँ, तुम्हारे आंसू से भरे चेहरे का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मेरे पास, इसलिए तुमसे बिना मिले निकल जाना चाहता था। सोचता था किस तरह विदा लूंगा तुमसे। जिन्हें जाना होता है ना मोहन बाबू, वो चले ही जाते हैं। बस थोड़ी देर बाद आप नदिया के उस पार निकल जाएंगे और हम यहाँ किनारे पर खड़े खड़े आपको तब तक निहारते रहेंगे जब तक कि आप आंखों से ओझल ना हो जाएं। राधा। हाँ मोहन जी हाँ, बस एक बात कहेंगे हम, अभी आंखों से भले ही ओझल हो जाओ मगर अपने दिल से कभी ओझल ना करना हमें। कसम गंगा मैया की, हम आपके बिन जी ना सकेंगे मोहन बाबू। राधा। जी ना सकेंगे। मोहन को गांव से शहर के लिए रवाना हुए 4 दिन हो गए मोहसिन भाई, लेकिन मैं इसे अपने दिल से निकाल नहीं पाया। बार बार उसकी याद आ जाती है, ऐसा महसूस होता है जैसे एक अच्छा दोस्त निगाहों से दूर हो गया। अगर आप बुरा ना माने मास्टर जी, तो एक बात जानना चाहूंगा। सभी तो मुझे मास्टर जी कहते हैं और आप भी मोहसिन भाई, अजीब बात है ना। मोहसिन भाई, यहां मेरी मास्टरी की किसी को जरूरत नहीं, पाठशाला तक तो नियम से खुलने नहीं दी जाती। ले देकर पाठशाला के नाम पर एक टूटी सी इमारत है जिसमें कभी तो परात ठहरती है तो कभी वो भैंसों का तबेला बन जाती है। खैर, कभी 2-4 बच्चे पढ़ने आ भी जाते हैं तो दूसरे दिन से वो भी गायब। लेकिन इन सबके बावजूद भी ये मास्टरी नाम का तमगा मेरे नाम के साथ लगा हुआ है, यकीनन ताजुब है ना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मास्टर जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? यही कि आपने तो अपनी जिंदगी में यह फैसला कर ही लिया है कि आप यहीं गांव में रहेंगे, यहीं पर इसी माधोपुर में, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है मोहन को शहर जाने के लिए उकसाने वाले भी आप ही थे, या यूं कह लीजिए कि मोहन को शहर का रास्ता आप ही ने दिखाया है। मैं वजह जान सकता हूं मास्टर जी? मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूंगा मोहसिन भाई, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप सही हैं। मुझसे बात करने के बाद ही शायद मोहन ने गांव से शहर जाने के बारे में गहराई से सोचा और वो चला भी गया। अजीब बात है ना, जिस वक्त गांव में पढ़े लिखे युवाओं की सख्त जरूरत थी तो ऐसे में मैंने मोहन को गांव से शहर जाने की राह क्यों दिखाई? वो इसलिए मोहसिन भाई कि मोहन का यहां दिमाग भटक रहा था, उसे इस गांव में घुटन महसूस हो रही थी। गुजरे वक्त में उसके घर वालों के साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसको अंदर तक तोड़ दिया था,
एक आक्रोश था उसमें, एक आग, एक अजीब सी छटपटाहट थी उसके अंदर, और ये सब कुछ उसके व्यक्तित्व को धुंधला रहा था, और उसे इस घुटन से निकालना बहुत जरूरी था मोहसिन भाई। मगर बाहर निकलने का रास्ता शहर ही तो नहीं है मास्टर जी। जी हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन शायद मुझे उस वक्त यही सही लगा हो। मैंने सोचा था कि जब मोहन को इस गांव के माहौल में घुटन महसूस हो रही है, तो फिर वो गांव और गांव वालों का क्या भला कर पाएगा। हाँ, यहां से दूर जाकर वो ये जरूर सोच सकेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। मैं ये मानता हूं कि हमारे गांव को पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है, मगर जोर जबरदस्ती से इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये तो तभी मुमकिन है जब कोई गांव का युवा खुद आगे आकर इसके बारे में फैसला करे। अगर उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो वो जरूर कर पाएगा, वरना वो भी एक भीड़ का आदमी बनकर रह जाएगा। आप शायद सही कहते हैं मास्टर जी। गांव से शहर मैं भी गया था, उस वक्त शहर जाने का जोश था, मगर शहर में जाकर जिंदगी का फलसफा ही बदल गया। अगर उस वक्त शहरी जिंदगी को लेकर जोश था, तो आज गांव में रहने को लेकर जुनून है। मोहसिन भाई, जिंदगी का तजुर्बा अपने पास भी है, और उस तजुर्बे से मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मोहन को शहर की जिंदगी भी रास नहीं आएगी। उसकी रूह जुड़ी हुई है गांव की माटी से, आज नहीं तो कल उसका दिल तरस उठेगा अपने गांव के लिए, और उस दिन मोहन की जो वापसी होगी गांव में, वो माधोपुर के लोगों की बेहतरी के लिए होगी। आप शायद ठीक कहते हैं, खुदा करे ऐसा ही हो। हाँ, हम लोग तो सिर्फ ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं। अजीब बात है धनिया, साहूकार कितना धोखा किए हमरे संग। 2000 का कर्जा और 20,000 पर अंगूठा की छाप लगवाई लिया, इतना बड़ा धोखा। मगर अब अगर साहूकार अपनी करनी पर आ गया तो हमरा का होई। अब भगवान ही जाने का हुई, मगर ऐसा लगत है कि ऐसा कुछ भी ना हुई। जो कुछ होए का हो वो हो चुका हो। अभी तक तो हमरे बैल और पुस्तैनी जमीन साहूकार के कब्जे में हो। हमका ऐसा लगत है कि मास्टर साहब की वीडियो साहब से कौनो बातचीत हुई है। वीडियो साहब साहूकार को इन मामले में खबरदार किए हैं, तभी तो। हाँ शायद कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, नहीं तो वो साहूकार कहाँ चुप बैठने वाला, इसीलिए तो खामोश बैठा है। कुछ भी हो भगवान, इस हादसे को लेकर हमारे घर ने बहुत कुछ खोया है।
अब मोहनवा को ही ले लो। अगर ये सब कुछ ना हुआ हो तो मोहनवा गांव से शहर काहे जात? कितना रोकना चाहा बावले को, मगर वो किसी के रोके से रुकने वाला हो तब ही ना। अरे हमेशा हमारे सामने खामोश रहा हो, मगर उस दिन जब बोला तो पता चला कैसन पटर पटर करके जबान चलत है उकी, बात करत है बेकार की। एक बात कहे, बुरा तो नहीं मानोगे? तुमने देवर जी के दिल की बात ठीक से सुनी ही कहा है। अब जब वो पढ़ लिख गए हैं तो उनके सोचने के तरीके में भी तो फर्क आएगा ना। और सोचो तो, उस दिन अगर वो वक्त पर नहीं पहुंच गए होते तो ससुर जी ने तो लगा दिया था अंगूठा साहूकार के उन नए कागजों पर भी, और फिर भगवान जाने क्या होता। तुम्हारे सामने जुबान खोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। फिर भी अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो तो माफ कर देना। कैसे कहें हम, क्या अब कहें हम? कैसे कहें हम, क्या अब कहें हम? घायल है मनवा, चुप ही रहे हम। कैसे कहें हम, क्या अब कहें हम? क्या हमने खोया, कुछ और होता? जो कुछ हुआ भला वो क्यों होता? कैसे कहें हम, क्या अब कहें हम? घायल है मनवा, चुप ही रहे हम। कैसे कहें हम, क्या अब कहें हम? कैसे कहें हम, क्या अब कहें? सपना स्पीकिंग। ओ नमस्कार मैडम जी। जी मेरा नाम मोहन है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। वो दरअसल बात यह है कि मैं कुछ दिन पहले ही गांव से आया हूँ, मुझे काम की तलाश है और। सॉरी मिस्टर मोहन, मुझे लगता है शायद आप गलत नंबर डायल कर बैठे हैं। नहीं सपना तो मैं ही हूँ, मैं और मेरे कुछ साथी मिलकर यहाँ एक संस्था चलाते हैं, और इस संस्था में काम करने वाले सभी सदस्य बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करते हैं। एक्चुअली हमारे पास इतने बजट नहीं है कि हम उन्हें वेतन दे सके। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? जी वो मेरे ही गांव के एक परिचित हैं, प्रभाकर बाबू, उन्हीं से। प्रभाकर, कहीं आप मास्टर जी की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, गांव माधोपुर के मास्टर जी यानी प्रभाकर बाबू। जी हाँ जी हाँ, वही प्रभाकर बाबू मास्टर जी, मेरे ही गाँव से है मैडम जी। मैं माधोपुर से ही शहर आया हूँ। बहुत सुना है माधोपुर के बारे में, या यूं कह लीजिए कि मास्टर जी के मुंह से ही सुना है। आप कुछ पढ़े लिखे हैं क्या? जी हाँ मैडम जी, इंटर पास किया है मैंने। क्या, गांव माधोपुर में रहते हुए आपने इंटर पास किया है? वाकई ताज्जुब है, मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। वैसे भी मेरे मन में माधोपुर को लेकर कई सवाल जवाब है। मिस्टर मोहन, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, आपका स्वागत है। जी अच्छा, अगर आप आदेश करें तो मैं परसों आपके पास पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है, नमस्कार।
मोहन, गांव माधोपुर का मोहन। क्या जमाना आ गया है, किसी की भलाई करो तो पीठ पीछे बुराई मिलती है। अरे भाई, मैंने क्या नहीं किया तुम गरीब गांव वालों के लिए। रुपये पैसों से मदद की, समय समय पर अनाज भी दिया मैंने तुम्हें, और उसके बदले में क्या लिया मैंने? थोड़ा सा ब्याज ही ना। अरे भाई, जब तुम मेरे से कर्जा लोगे तो ब्याज भी तो भरोगे ही। अब जब नहीं भरोगे तो तुम्हारी जमीनों पर कब्जा तो करना ही पड़ेगा। अब भला इसमें जोर जबरदस्ती की बात कहां से आ गई? और नहीं तो क्या, एकदम सोलो ना सच कहते हमारे साहूकार जी। अब देखिए ना, सरजू को ही एक तो कर्जा लेते हैं, ऊपर से धौंस जमाते हैं। अब देखिए लल्लन की ही बात को लीजिए। अरे उस दिन हमारे साहूकार जी के ऊपर लाठी लेकर दौड़ गए। अरे ये तो गनीमत था कि मैं और बिरजू सरकार के साथ थे और हम दोनों ने उसको मारा। अब देखो साहूकार साहब की भलमानसता कि बीच में आए और बचाव किया, नहीं तो हम तो नहीं छोड़ते। क्यों बिरजू? बिल्कुल, कितने धर्मात्मा पुरुष है हमारे साहूकार जी, और ऊपर से ये इल्जाम लगाते हैं। मगर ऐसा बड़प्पन बेकार का जो हमेशा अपना ही नुकसान करे। मैं जानू कि लल्लन ने दो चार लाठी तो खा ली, लेकिन कर्जे का भुगतान करना बंद कर दिया। मूल चुकाना तो दूर, ब्याज तक चुकाने नहीं आ रहा वो। और वो बूढ़ा सरजू, वो भी अपने औलाद के बहकाए में आ गया। हा? अरे जाने दे बिरजू, जाने दे। जबकि वो लोग गलत हैं, तो अपने साहूकार साहब को तो समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। एक तो कर्जा लेंगे, ऊपर से धौंस जमाएंगे और कहेंगे 2000 की रकम को 20,000 बना दिया। अरे हिमाकत तो देखो, हमारे साहूकार साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे साहूकार साहब एवं ही थोड़े ही हैं। मैं जानू ये कि हमारे साहूकार साहब खानदानी रईस हैं, खानदानी रईस। यही तो मैं भी कहता हूँ। अरे 10,000 रुपए के तो परवाह ही नहीं करते अपने साहूकार जी। ऐसे समझ लो जैसे पान खाकर थूक दिया। और ऐसे बड़े आदमी पर ऐसा इल्जाम। अब देखिए, छी, मैं तो कहता हूँ लानत है लानत। हाँ, अब चुप कर बाबले, चुप। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, समझ गए ना आप? आप सबको तो पता ही है कि हमने तो हमेशा गांव का भला ही चाहा है। वाह, महान है आप, कितने कितने उच्च विचार हैं आपके, मैं तो नतमस्तक हुआ। अरे बीडियो साहब, आप कब आए यहाँ पे? आ तो मैं बहुत देर पहले चुका था। हाँ, ये अलग बात है कि आपने मुझे पहचानने में थोड़ा देर कर दी। आप कुछ समझा रहे थे गाँव वालों को? हाँ हाँ, वो बस ऐसे ही समझा रहा था गांव वालों को, भाई सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और वो कहावत भी तो है कि कर भला सो हो भला, अंध बुरे का हो बुरा है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी महानता के चर्चे तो इन गांव वालों को मालूम है। अब देखिए ना, वो उस दिन लल्लन कितनी सहायता की आपने उसकी, और वो धुनका, उसकी जमीन का तो पता भी नहीं चला कि कब निकल गए आप। वाकई आप महान, और आप महान हो भी क्यों ना, क्योंकि आप मानते हैं कि कर भला सो हो भला, कर बुरा सो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। वैसे कहावत कितनी सच्ची है साहूकार साहब, लेकिन ये सब पर लागू होती है, इन पर, मुझ पर, आप पर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी, आप आइए ना, अंदर आइए। क्या लेंगे, ठंडा गरम? जी नहीं। अच्छा मैं चलूंगा, नमस्कार। आप जरा इन लोगों की भलाई करें। नमस्ते। देखा कितनी तारीफ करके गए वीडियो साहब हमारी है। अब देखो हम कितने अच्छे आदमी हैं, ये आपके सामने ही कह गए वीडियो साहब है। भले का अंत भला ही होता है, है? समझे? तो अपने देवर जी ने पाती लिखी है तुम्हें? लिखी तो है जी, जी लिखी है। अब हम झूठ कैसे कहें कि ऐसा नहीं है? और फिर झूठ बोलने से सच झूठ में थोड़े ही बदल जाएगा। ये बात तो है राधा रानी। अच्छा क्या लिखा है हमारे देवर जी ने? लो भला, अब हम ये क्यों बताने लगे? पाती आई है, इतना बता दिया, क्या ये काफी नहीं है जी जी? ऐसा क्या लिखा है देवर जी ने पाती में जो बताने में इतनी आनाकानी? ठीक है, कोई प्राइवेट बात है तो मत बता। धत जी जी, अब इसमें प्राइवेट की क्या बात है, आप बिना बस। हाँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताते तो मत बता, अब मैं चलूं।
बहुत सारा काम पड़ा है घर पे। रुको ना जीजी, आप तो नाराज हो गई। अच्छा बाबा, हम घर चलकर आपको वो पाती दे देंगे और आप खुद ही पढ़ लेना कि क्या क्या लिखा है आपके देवर जी ने, ठीक है? अच्छा, पाती देवर जी की, नाम तुम्हारे, भला मैं क्यों पढ़ने लगी? अब तुम खुद ही बता दो तो और बात है। एक बात तो है राधा रानी, अगर मोहन जी देवर हमारे हैं तो तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं। देखो जीजी, आप फिर शुरू हो गई ना। अच्छा ठीक है, अब हम ना कुछ कहेंगे ना सुनेंगे, आपके जो जी में आए वही बोलो, हम चुपचाप सुनेंगे बस। लो भला, अब हम क्या बोलेंगे? देवर जी की पसंद हमारी पसंद, हमें तो ये बताओ कब आए तुम्हें लेने? बोल तो ऐसे रही हैं जीजी जैसे हम पर एहसान करेंगी। वैसे एक बात बताइए जीजी, कि सारी उम्र कुंवारा रखना है क्या अपने देवर जी को? हाँ, वैसे भी आप जितनी देर करेंगी जीजी उतनी ही परेशानी होगी आपको जीजी। हाँ तो ये बात है। अब वैसे भी हम आपको क्या बोले, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि वो कहते हैं ना कि समझदार को इस सारा ही काफी है। जी जी। मोहन शहर चला गया और गांव में सबको मायूस कर गया। राधा ने तो उसे आंसुओं और सिसकियों के साथ विदाई दी है, साथ ही सरजू और लल्लन भी अंदर तक टूट गए। हाँ, शहर में आकर मोहन के साथ आज भटकन ही भटकन है। कौन जाने आने वाले कल में उसके नसीब में क्या लिखा है। हाँ, गांव की यादों को लेकर उसके अंदर की तड़प उसे निरंतर टीस दे रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब के चलते सरजू का परिवार आज बदलाव की राह पर है? सरजू, लल्लन, धनिया, कमला, प्रकाश, मोहन, हाँ सभी तो जैसे अपने ही आप से संघर्ष कर रहे हैं, और ये बदलाव का संकेत ही तो है।